हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम अनंता है। मैं अंधेरी साकिना का में रहता हूँ। तो मैंने एक्चुअली मैं ऑलरेडी गई हूँ। एक्चुअली मुझे लड़की लोगों के जैसा रहना वगैरह अच्छा लगता है, तो मेरे घर पे भी मालूम है ये वाली बात और मेरे सोसाइटी में भी है, मतलब पूरा ओपन ही है, ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं ये करके। तो मैंने एक बार एक्चुअली मैंने ये मेकअप वगैरह मैंने खुद का किया हूँ, मतलब लड़के का लड़की बना हूँ मैं खुद से, लेकिन किसी बड़े स्टूडियो में जाके मैंने कभी किया नहीं। तो एक बार मैंने ऐसे मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने ये जोबन बिन्ना का मैंने एडवर्टाइजिंग देखा था, तो मुझे लगा हाँ ये बहुत अच्छा है करके। मैंने फिर उसके बारे में उनके पोस्टर्स देखे, पिक्चर देखे और उनके जितने सारे वीडियोज़ वगैरह है वो सब देखा, तो मुझे लगा हाँ यहाँ पे बहुत बोलोगे तो बहुत ही अच्छा है ये स्टूडियो, इतना अच्छा लग रहा है ना, खाली मतलब ये वीडियोज और फोटो देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बोलूँ। तो मैंने एक बार मैं बोला चलो ट्राई करते, तो मैंने एक बार फ़ोन लगाया करके, तो मैंने सब उसका जानकारी एक्चुअली मैंने उनसे ले लिया। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप पर कनेक्ट किए, व्हाट्सअप पर उन्होंने मेरा नंबर पर पूरे सारे उनके जितने कैटलॉग्स है, उनके वीडियोज़ है, उनका जो पैकेजेस है उसके बारे में सब उन्होंने मुझे पूरे फोटोज़ कैटलॉग सब शेयर, PDF सब शेयर किए। तो उसके बाद में मैंने देखा, उसको देख के मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो पैक्स मैंने बेसिक पैक ही मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने वो करके उनको ऐसा ऐसा बोला कि मुझे ये वाला बेसिक पैक करने के लिए आना, करवाना के लिए आपके पास आना है करके। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे मैंने उनकी अपॉइंटमेंट लेके फिर मुझे यहाँ पर अभी मैं फाइनली यहाँ पे आया, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ मैं क्या बोलूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सा क्या लुक अभी ये लोग यहाँ पे जा स्टूडियो में जाके मुझे कौन सा लुक अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, तो अभी कुछ देर के बाद में मेरा मेकओवर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए कि मेरा अनंता से मेरा मिताली में कैसा कन्वर्टिंग हो रहा है, वो लोग कैसा मुझे वो लोग अनंता से मिताली बना रहे हैं। आप खाली वो देखते ही रहो और इतना ऐसे देखते रहो ना कि देखो अब बस कि अभी आगे इससे उसमें कैसे क्या होने वाला है, आपको वो जो वीडियो है उसमें ही दिखेगा। गाइस मेरा मेकओवर होने जा रहा है, प्लीज ये वीडियो आप आखिरी एंड तक देखो कैसा क्या होने वाला है अभी आगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलिए। स्टे ट्यून्ड।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ। माई गॉड, आई एम शॉक्ड। सच में मुझे यकीन है, और मेरी अपने आप से नज़रें नहीं हट रही इतनी। मैं मुझे खुद को मतलब खूबसूरत ये लोग ने इतना बना दिया, ऐसा सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ करके। माय गॉड, सच यहाँ के लोग, मैम लोग, और कितने अच्छे से मुझे यहाँ पे ट्रीट मिले, मैं क्या बताऊँ। और आप ही सोचो, देखो मेरा क्या लुक था और क्या लुक बना दिए ये लोग ने, बनवा दिए, क्या बोलूँ मैं सच में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं एकदम हीरोइन के जैसे ही लग रही हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं खुद को राखी सावंत ही समझ रही हूँ, और मैं को ऐसा लग रहा है कि मैं राखी सावंत ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसके जैसे ही दिखती हूँ। माय गॉड, सच में मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं खुद ही खुद को मेरी नज़र लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, लगेगी। इतना अच्छा और इतने अच्छे ट्रीट किए, मैं क्या बोलूँ। और देखो आप ही देख रहे हो सामने से कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई करके। अभी तो ये टाइम तो मैंने यहाँ पे है ना वेस्टर्न लुक्स एक्चुअली मुझे मैंने किए हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं इंडियन लुक है ना यहाँ पे ट्राई करूँगी। मतलब मुझे इंडियन लुक यहाँ पे ट्राई करने बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे मालूम ही है कि ये लोग इंडियन लुक में भी मुझे एकदम खूबसूरत बना देंगे करके। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे इतनी खूबसूरती से ये लोग मतलब वही बोल रही हूँ कि जो जैसा है वो दिखता कैसा और ये लोग बनाते कैसे इतनी, और मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। अभी मैं तो वही बोल रही हूँ कि मेरे जितने भी सारे सीरीज फ्रेंड हैं उनको अगर मेरे जैसा बनना है, और वो लोग शर्मा रहे या उनके मन में कुछ भी बात होगी, ऐसा कुछ बात छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे आके है ना बिंदास अपना मेकओवर करा के ले सकते, इतनी खुशी मिलेगी ना आपको, आप सारे दुख के जो पहले सब भूल जाएंगे यहाँ पे आके, इतने खुश हो जाओगे आप, इतने खुश। एक्चुअली मैं मुझे तो लगा था मुझे ये कर्ल्स वाले बाल या एक्चुअली बड़े बड़े ये जो कान में जो इयररिंग्स मैंने पहने हैं, मैं तो सोचती थी मुझे कभी अच्छा लगेगा ही नहीं, इसमें मैं प्रिपेयर दिखूंगी ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे जब आई, मुझे ये लोग ने देखे मेरा बॉडी लैंग्वेज, देखे मेरा फेस, देखे उसके ऊपर क्या जचने वाला है वो देख के, मुझे वो लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े दिए, इयररिंग्स दिए, ये प्लस ये हेयर विक्स, अच्छे अच्छे कर्ल्स वाले वो मेरे ऊपर उन्होंने देख के उनको पता चला कि इनके ऊपर क्या सूट है। और मैं तो डरती थी कि ये मुझे सूट नहीं होने वाला है करके, बट ये लोग ने इम्पॉसिबल का पॉसिबल करके दिखाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बोलोगे तो बहुत ही। क्योंकि देखो अभी आप ही देख रहे हो जो चीज़ से मैं पीछे हट रही थी वो मेरे ऊपर कितनी अच्छी जज रही है। सो आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए यहाँ पे आके, आपको जो अच्छा नहीं लगेगा वो अच्छा करने का काम इनका है। इतने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकती। और इतनी मेहनत इतनी कड़ी मेहनत करते हैं ना, ये मैं आपको है ना बता नहीं सकती, बहुत मेहनत ये लोग ने किए है। मेरा तो सैल्यूट है लोगों को सच में, एक एक पाई यहाँ पे आके खर्च करना वर्थ है सच में। और दोस्तों आपको अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चलो यहाँ पे जाके हम लोगों की वीडियोस निकालेंगे, फ़ोटो निकालेंगे करके, और वहाँ पे अपलोड वगैरह कहाँ पे YouTube पे समझो या Instagram पे अपलोड वगैरह करेंगे, ऐसा अगर लग रहा है आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिना अपनी परमिशन लिए बिना कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो लोग उनका एक्चुअली जो मोबाइल उनका खुद का जो रहता है वो भी उनके पास नहीं रहता है, वो भी साइट में रहता है मोबाइल। तो आप ऐसा बिल्कुल ये जो सोच रहे हो आप तो मन में लाओ ही मत, और कुछ भी नहीं, आपके परमिशन के बिना यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, इतना ही सेफ जगह है, मैं वही बता रही हूँ आपको। ये मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने ये फ़ोटोशूट करवाई, वीडियोस निकाली यहाँ पे, तो इतनी प्राइवेसी है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बोलोगे तो बहुत ही। आपको अगर आना है, आप कोई भी मन में शक रखो ही मत, एकदम फ्री माइंड से आप यहाँ पे आ जाओ। आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो, अपॉइंटमेंट उनसे बुक करवा के ले लो, कभी बुलाते हैं देखो उस टाइम आप ज़रूर आके यहाँ पे विजिट करो, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको। यहाँ पे एक्चुअली है ना 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक हो जाते। देखो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ का पूरा जितना भी स्टाफ है ना सब पूरा मेरे ऊपर ही मेहनत कर रहा है, मेरे ऊपर ही वो लोग लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि चलो दूसरा किसी को बुलाए हैं तो इनको साइड में रखते, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे तो मेरे ऊपर ही ये लोगों का कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे चेंजिंग रूम भी अलग है,
इनका मेकअप रूम है वो भी अलग है, इनका जो एसेसरीज का जो कपड़े वगैरह उनका जो भी है वो सब अलग है। दोस्तों आपको अगर ये अनंता का मेरा जो रूप ये लोग ने मिताली में ट्रांसफॉर्मेशन किए है ये आपको कैसा लगा, ये वीडियो आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज़। अगर आप मेरे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो और देखना चाहते हो तो जोबन मिन्ना क्रॉस ड्रेसिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको नई वीडियोस में किसी नई तड़कीले भड़कीले लुक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।